educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं आज हाईटेक सिटी के एक एक्सपो में, और यहाँ पे हमें एक साइकिल दिखी। तो चलिए इनके इसके बारे में बात करते हैं कि इस साइकिल के मतलब फीचर्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सिद्धार्थ कुमार और आप सभी का भी हिंदी में स्वागत है। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? हिमांशु जी। सर, हिमांशु जी, धन्यवाद। तो इस साइकिल के बारे में आप बताइए कि इसमें आपको मतलब रेंज क्या है और इसमें कितने वेरिएंट देखने को मिलेंगे मुझे? तो सर, इसमें आपको क्या है, 4 इलेक्ट्रिक वेरिएंट मिलेगा। अच्छा, और 4 इलेक्ट्रिक वेरिएंट में सर आपका क्या है, नॉर्मली आपका 40 से 120 किलोमीटर का रेंज का है। अच्छा, और प्राइसिंग स्टार्ट क्या बोले तो सर 66,000 से लेके 119,000 तक का ब्रांड है सर। पर तो अपने पास अभी जो है ये लाइट एक्सी है। लाइट एक्सी इस ब्रांड वेरिएंट का नाम है लाइट एक्सी। अच्छा, तो अपना टॉप बॉटम से सेकेंड है ये। अच्छा, सेकंड बॉटम बोल सकते हो, तो मतलब नीचे से टॉप सेकंड आता है। हाँ, तो अभी इसमें आपको क्या नॉर्मल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या स्विच से स्टार्ट कर लेना है, यहाँ पे नीचे साइकिल की रहेगा। अच्छा, तो आपको ये यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो अभी साइकिल अपना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ठीक है। तो स्टार्ट करने के बाद क्या आपको प्रेस फॉर 3 सेकंड होल्ड करके रखना है, तो आपका क्या ये डिस्प्ले ऑन हो गया है। तो डिस्प्ले पे ऑन होने के बाद आपका 0 मोड तो है ही है, बट आप जब फर्स्ट मोड पे जाओगे तो फर्स्ट मोड पे क्या, जब आप एक पैडल मारोगे तो एक पैडल आपको एक फ्री मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ही, बट इसका मैक्सिमम स्पीड थ्रॉटल का क्या है, 25 है। ओनली थ्रॉटल स्पीड 25 है, बट जब आप पैडल मारोगे, अच्छा, तो पैडल पे आपका क्या नॉर्मली आराम से जब फर्स्ट मोड पे चले गया तो आपको नॉर्मली 20% पुशबैक है। तो जैसे जैसे आपका मोड बढ़ता रहेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फिफ्थ मोड पे क्या 80% पुशबैक आपको साइकिल से मिलेगा। अच्छा, 20% आपको चलाना है। अगर नहीं, आपको सिर्फ 100% चलाना ही नहीं है, आपको सिर्फ चलाना है गाड़ी की तरह, तो आप 100% पूरा साइकिलिंग कर सकते हो। हाँ, थ्रॉटल के मदद से मतलब कर सकते हैं, थ्रॉटल भी चला सकते हो। हाँ, तो जो ये साइकिल है, आपने इस मॉडल के बारे में बताया, तो इस मॉडल का रेंज क्या है, इसके बारे में हमें बता दीजिए, मतलब रेंज क्या है। सर, इसमें रेंज आपको क्या 50 to 70 किलोमीटर से इजीली मिलेगा। अच्छा, और चार्जिंग टाइम अगर कुछ हो तो इसमें आपका 2.5 घंटे में आपका चार्जिंग हो जाएगा, और इजीली आप 50 to 70 किलोमीटर जा सकते हो। मेनली क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों का, बहुत सोचते हैं कि सर हम कहा, इतना बड़ा साइकिल है कहाँ लेके चार्ज करेंगे। अच्छा, तो सर बहुत इजी है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली इजी टू फोल्ड कर देना है पहले। अच्छा, इसमें फोल्डेबल सिस्टम? हाँ, अगर नहीं तो आपको डायरेक्ट चार्ज डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ अगर तो हाँ डायरेक्ट डालना है, तो नहीं तो आप क्या करो, पहले आपको ये बीच में ले लेना है सारे, और इसको फोल्ड कर देना है, क्विक को ऑफ कर देना है। अच्छा, एक बार के लिए स्टैंड उठा के अब जस्ट यहाँ से हाथ ले लेना, बट यहाँ से मत कभी मत डालना, हाथ डूब जाएगा। यहाँ से डाल के आप उठा लो, आपका साइकिल फोल्ड हो गया। तो अब नीचे रख के एक बार रख दो, नहीं तो आप ऐसे उठा के रखो। अब नॉर्मली थोड़ी देर बैटरी को बाहर निकाल दो, और आप घर पे रख के चार्ज लगा। ये बैटरी है, इसमें किस केमिस्ट्री के बैटरी का यूज किया गया है? लिथियम आयन बैटरी है। अच्छा, और ये इसका वॉट सही क्या है कि 36 वॉट्स, ये 10.4 AH का बैटरी है। अच्छा, तो नॉर्मली आपको इसमें क्या रेंज अच्छा मिल जाएगा, 50 to 70 किलोमीटर, मतलब आप 2.5 घंटे में आप 70 किलोमीटर कवर कर रहे हो। अच्छा, इट मीन्स आपको एक्टिवा से बेटर सर्विस देगा ही। अच्छा, तो जैसे ये बैटरी है, तो बैटरी की वारंटी के बारे में कुछ होगा, तो बैटरी की वारंटी के बारे में बताइए थोड़ा। तो बैटरी वारंटी सर मैंने बस ऑन ओवर पूरा साइकिल का वारंटी 1 ईयर है, पर बैटरी लाइफ जो है वो 3.5 ईयर्स की है। अच्छा, तो नॉर्मली आप 3.5 ईयर्स ईजिली चला सकते हो, और अगर उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बैटरी में सेल्स होते हैं। अब जैसे कि अपना MXZ और लाइट XZ में, हाँ, उसमें भी 53 सेल्स है। अच्छा, और वैसे ही XZ और XZ प्लस में उसमें 63 सेल्स है। अच्छा, तो ठीक है, आपका इसमें ये XZ लाइट अपना मॉडल है, तो इसमें 53 सेल्स हैं, वो 3.5 ईयर्स के बाद आप एक सेल्स चेंज करवा सकते हो, जो पर कॉस्ट आपको 500 to 800 के इनसाइड आपको कॉस्ट आएगा सेल्स का, तो आप सेल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका मैंने देखा था कि हैंडल भी मतलब फोल्ड हो रहा था, तो एक बार हैंडल फोल्ड करके मुझे दिखाइए कि कैसा है इसका हैंडल फोल्ड कर। अब ये हैंडल भी फोल्ड हो गया है, तो आप इजीली कैरी करके कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कार में हो या मेट्रो में, आप कहीं कैरी करके लेके जा रहे हो, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है तो मेट्रो में गए फिर से ऑफिस इस पे चलेंगे। अच्छा, तो वो भी यूज़ कर। इसका वेट क्या है, जैसे मतलब कोई लेना चाहे तो? 23 kg। यस सर, तो जो आपकी ये इस पहले इसे अच्छे से कर दीजिए,
तो जैसे आप बता रहे थे कि चार वेरिएंट आपके पास है, तो उनमें डिफरेंट क्या है? बैटरी को मतलब बैटरी और रेंज के लेके डिफरेंट है कि और भी कुछ डिफरेंट है? टॉप स्पीड या टॉप स्पीड अपना सबका साइकिल का 25 है, ऑन थ्रॉटल आपका सबका 25 रहेगा। अच्छा, एमएक्सी लाइट एक्सी इसका सब 25 है और एक्सी का भी 25 है और एक्सी प्लस का भी 25 है। बट इन तीनों का जो मोटर है वो अपना स्विच का ही मोटर है, अपने खुद का ब्रांड है स्विच का मोटर। अच्छा, BLDC अप मोटर। ओके, स्विच का। उसके बाद हम जब आएंगे अपना टॉप इन वेरियंट जो एक्सी प्लस है, उसमें जो मोटर है ना, मोटर है, डिस्प्ले है, कंट्रोलर है और सेंसर है, वो अपना मेड इन जापान है। अच्छा, तो आप उसको उस ब्रांड को आप 90% इंडियन बोल सकते हो और 10% अपना जापान मॉडल बोल सकती है। अच्छा, क्योंकि उसमें अपना जो मोटर है वो बफांग का मोटर है जो अपने IPO के टॉप 3rd लिस्ट पे आता है बफांग का। तो नॉर्मली वो स्पीड भी काफ़ी अच्छी रहती है और सबसे ज़्यादा 120 किलोमीटर की रेंज की है वो, और 120 किलोमीटर की रेंज देती है। हाँ, चलिए ठीक है। तो जैसे कि आप बता दीजिए मुझे प्राइस के बारे में बताइए कि आपका सबसे जो बॉटम मॉडल है उसका प्राइस क्या है और टॉप मॉडल का प्राइस क्या है और इस मतलब साइकिल की प्राइस क्या है। तो अपना सबसे बेसिक वेरिएंट है, सबसे बॉटम वेरिएंट है जो MXE है, उसका प्राइस आएगा 66,500, ठीक है। और अपने उसके बाद जो सेकेंड बॉटम प्राइस आएगा इसका है 82,250। और उसके बाद आएगा थोड़ा फैट टायर आएगा, अब दो इसके स्लिप टायर है, अब थोड़ा उसके बाद फैट टायर आएगा, तो फाइव टायर उसका 20x4 का टायर आता है, तो उसका प्राइस रहेगा आपको 96,950, वो जाएगा आपको 60-80 किलोमीटर्स। ओके, और अब ये जो अपना एक्सी प्लस, अब एक्सी प्लस में आपको क्या, नॉर्मली आपको आराम से उसका प्राइस रहेगा 1,19,000 और वो जाएगा 80-120 किलोमीटर्स रेंज। तो जैसे आप प्राइस बता रहे हैं तो प्राइस मुझे काफ़ी महंगी लग रही है, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक साइकिल आई हैं जो कि 50,000 के अराउंड तक मिल जा रही है, लेकिन आप इतने महंगे बता रहे हैं, तो इसमें क्या खासियत है कि आप इतना महंगा बता रहे हैं? बता दो। अब आपने नॉर्मली आप साइकिल्स का फ्रेम देखते ही हो सर। हाँ, फ्रेम, साइकिल फ्रेम देखते हो, आपका मेटल का मिलेगा, एल्यूमिनियम नॉर्मल साइकिल आपको नहीं देगी। अच्छा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम फ्रेम जो है एयरक्राफ्ट ग्रेड है 6061 अलॉय फ्रेम है, विच इज़ एंटी रश फर्स्ट थिंग, आपका ये मतलब जंग नहीं लगेगा साइकिल को। अच्छा, अगर आप बारिश में भी चला रहे हो, डेली चला रहे हो, तो आप ये साइकिल आपको जंग नहीं लगेगा, आप आराम से चला सकते हो, ठीक है। और सेकंड, ये आपको जब अगर आप धूप में लेके घूम रहे हो, अच्छा, तो आपको गर्म भी नहीं करेगा बैटरी, क्योंकि ये फ्रेम के अंदर है बैटरी ना, तो गर्म नहीं होगा। और भी कुछ ऐसा है कि जो मतलब इसको महंगा करने पे ये मतलब ये करे? अब जैसे रेंज भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब दूसरे साइकिलों की अपेक्षा इसकी रेंज काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ, क्योंकि अपना अब नॉर्मली आप अगर ऑफ रोडिंग जा रहे हो तो उसके लिए आपको लाइट मिलेगा। अब जैसे कि हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो बहुत से साइकिल्स में लाइट्स वगैरह नहीं रहती है, इसमें आपको लाइट्स वगैरह सब मिलेगा। अच्छा, तो आप किलोमीटर्स रेंज वगैरह इसमें जल्दी कवर कर सकोगे। और अगर ग्राहकों को ख़रीदना हो ये साइकिल, तो ये कैसे खरीद सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सर, आप अगर नॉर्मली आपको इसको परचेस करना है तो डायरेक्टली आप अपने शोरूम में भी विजिट कर सकते हो। अच्छा, शोरूम से भी विजिट करके ले सकते हैं? ले सकते हैं। इसका प्री बुकिंग होता है या मतलब हैंड टू हैंड मिल सकती है? अगर आपको हैंड टू हैंड चाहिए तो आप डायरेक्ट शोरूम आ जाओ, अगर आपको नहीं तो अपने आप स्विच का www.switchbike.com ऑफिशियल वेबसाइट पे मतलब जाके प्री बुकिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो ऐसा बताइए कि मतलब हमारे नॉर्थ तरफ इसकी मतलब शोरूम कितनी कहाँ कहाँ पे हैं, पटना में, दिल्ली में? हाँ, अब लखनऊ, इलाहाबाद। तो, हाँ, अब नॉर्थ साइड में टोटल अप टू 125 शोरूम्स है सर इसका ऑलरेडी, और ये 5 ईयर से कंपनी है। अच्छा, नॉर्थ में इसका काफ़ी अच्छा है रिस्पॉन्स, और अभी साउथ में अपने हैदराबाद में अपना पहला शोरूम है जो हैदराबाद का एक्सक्लूसिव शोरूम अब नहीं है, जो MV ऑटोमोबाइल स्विच के नाम से है। अच्छा, रसलपुरा में मोची शोरूम के नियर बाई के हैं। तो एक बार विजिट करेंगे तो आपको कुछ आइडिया आएगा वहाँ का भी। ठीक है, धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया कि साइकिल के बारे में, तो काफ़ी अच्छी साइकिल होने वाली है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।